हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। बच्चों, आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिसकी एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंस है। यस, मैं बात करने वाला हूं आज गैल्वेनोमीटर की। गैल्वेनोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, इसके डायरेक्ट डेरिवेशन और इसके कन्वर्जन, लाइक वोल्टमीटर में कन्वर्जन, लाइक एमीटर में कन्वर्जन आपको एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं और आगे भी मिलेंगे। तो आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से सीखना है और मैं आपकी हेल्प करूंगा इसमें, बहुत अच्छे से सिखा दूंगा, जल्दी जल्दी सिखा दूंगा कि गैल्वेनोमीटर कैसे वर्क करता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर, हाउ इज इट वर्किंग। ठीक है, ये सब चीजें बात करेंगे। वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, हम बात कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर की। तो ये है क्या, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है इसका यूज? आपको फिजिक्स लैब में भी आपको गैल्वेनोमीटर देखने को मिलता है, इसका यूज भी पता लग जाएगा। पहले ये जान लेते हैं जी ये है क्या। तो इट इज अ डिवाइस। ये क्या है, एक डिवाइस है, इट इज एन डिवाइस। क्या करता है ये, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट, विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट। करंट को डिटेक्ट करने में इसका यूज है। ठीक है, जैसे आपको पता लगाना है कि किसी चीज, किसी भी कंडक्टर में, किसी भी रजिस्टर में, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में करंट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो आप क्या कैसे करेंगे, उसमें गैल्वेनोमीटर अटैच करा देंगे। तो आप देखेंगे कि अगर उसकी निडल डिफ्लेक्ट हो रही है, उसका पॉइंटर डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो समझ जाइए देर इज अ करंट। तो ऐसा डिवाइस जो ऐसा करके देता है, जो डिटेक्ट करता है करंट को, उसे ही क्या बोल देते हैं, गैल्वेनोमीटर। समझ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए पहले जान लेते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है। चलिए प्रिंसिपल मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ध्यान से सुनना है क्या है प्रिंसिपल। जब भी कोई कोयल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई हो और उस कोयल में करंट हो, तो आप बोलेंगे कि उस पर लगेगी एक टॉर्क। ठीक है, किस पे, कोयल पे। तो व्हेन एवर देयर इज अ कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड कैरिंग करंट, इट विल ऑलवेज एक्सपीरियंस इज अ टॉर्क। उस पर क्या लगती है, टॉर्क लगती है बच्चों। तो इसका प्रिंसिपल हो गया, व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल, व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। ठीक है, तो आपने सीखा कि जब भी कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई हो और उसमें करंट चल रहा हो, तो उस पर टॉर्क लगती है। ये इसका प्रिंसिपल है गैल्वेनोमीटर का। व्हेन एवर अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट विल ऑलवेज एक्सपीरियंस इज अ टॉर्क। ठीक है, उस पर क्या लगती है, इट विल ऑलवेज एक्सपीरियंस इज अ टॉर्क। समझ गए हैं, तो उस पर हमेशा लगती है टॉर्क। समझ गए, चलिए अब हम सीख लेते हैं कि वर्किंग में क्या है, कैसे वर्क करता है गैल्वेनोमीटर, ये चीज सीख लेते हैं। चलिए वर्किंग ध्यान से सुनेंगे इसकी कैसे है, बहुत आसान है, समझना है, समझ जाएंगे, कर जाएंगे। चलिए जी, इसमें होता क्या है, आपके पास ये नॉर्थ पोल और जी ये आपके पास यहाँ पे साउथ पोल। ठीक है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, दो मैग्नेट हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे चलती हैं, नॉर्थ टू साउथ चलती हैं, ऐसे चलती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे चलती हैं। लो जी, इतनी बात भी क्लियर हो गई। अब इसके अंदर रखी हुई है क्या, कोयल, कोयल रखी हुई है जिसमें करंट चल रहा है। देखिए ये होती है कोयल इस तरीके से, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक कॉइल है। ठीक है, और हम ये मान लेते हैं इस कॉइल में करंट चल रहा है ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज करंट चल रहा है इस कॉइल में ऐसे। तो इस कॉइल में, ये कॉइल आपको दिखाई, इसमें करंट चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। इस कॉइल को एक नेम दे देते हैं, ए बी सी डी, ये कॉइल है, इसमें करंट चल रहा है। बच्चों मैं आपको बता देता हूं, देखिए कॉइल पे जो करंट कैरिंग कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है, तो लगेगा टॉर्क। लेकिन अगर कोई कंडक्टर है करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उस पर लगती है फोर्स। ठीक है, जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो उस पर लगती है फोर्स। ठीक है, तो चरा आप ध्यान से देखिए, इस कॉइल की जो आर्म एडी है, तो उस पर फोर्स लगेगी क्योंकि वो करंट कैरिंग कंडक्टर है और उस, वो किसमें रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो फोर्स ऑन आर्म, कौन सी आर्म, जल्दी से बोलेंगे, एडी, फोर्स और आर्म एडी। क्या होगा, आपके पास फॉर्मूला है,
क्या फॉर्मूला होता है, जो कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हो और उसमें करंट हो तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा NIBL साइन थीटा। क्या होता है, N नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट इन द कंडक्टर, B मैग्नेटिक फील्ड, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड साइन थीटा। साइन थीटा करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो वो कितना है करंट, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 90 है, तो ये साइन 90 है, तो कितना हो जाएगा N I B L। समझ गए, इतनी बात हमें क्लियर हो गई। चलिए अब इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं, तो कैसे फाइंड आउट करें फोर्स की डायरेक्शन, तो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी फाइंड आउट यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। किससे पता लगा सकते हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। क्या है उसमें, देखिए आपको अपनी फिंगर्स को, अपने मिडल फिंगर को, फोर फिंगर को और थंब को एडजस्ट करना है ऐसे, और ये मिडल फिंगर करंट को दिखाता है, आपका जो है फोर फिंगर, ये वाली फिंगर आपको मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है, और ये फोर्स को। चलिए कंडक्टर में करंट नीचे को ऐसे कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड इधर को, नॉर्थ टू साउथ, तो फोर्स कैसे लग रही है, फोर्स लग रही है बाहर को, समझ रहे हैं, बाहर को लग रही है फोर्स। तो बाहर को 3D फिगर में कैसे दिखाते हैं कि ये फोर्स ऐसे है, समझ गए, ऐसे है, समझ गए। चलिए यहां आइए BC को देखिए, BC पे भी फोर्स लगेगी, क्यों, क्योंकि ये कंडक्टर है और कहां रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। कितनी फोर्स लगेगी देख लेते हैं, कितनी फोर्स लगेगी इस पे, तो वो फोर्स भी, फोर्स जो लगेगी, फोर्स ऑन BC क्या हो जाएगी, फोर्स ऑन BC वही हो जाएगी NIBL, क्योंकि लेंथ इसकी भी L है, मैग्नेटिक फील्ड B है और करंट कितना है I, तो क्या बन गया NIBL। चलिए लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स की डायरेक्शन पता लगाते हैं, करंट ऊपर को है कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, फोर्स कहां है, फोर्स अंदर की तरफ है, तो यहां पे फोर्स इनवर्ड है, समझ गए हैं, यहां फोर्स इनवर्ड है, और यहां फोर्स कैसे थी, यहां फोर्स हमने पहले ही फाइंड आउट कर रखी है, ये आउटवर्ड थी, समझ गए हैं। तो आपने देखा यहां फोर्स इनवर्ड आई, यहां फोर्स इनवर्ड आई, यहां फोर्स आउटवर्ड आई, समझ रहे हैं। चलिए तो इसका एक डेमोंस्ट्रेशन ले लेते हैं, ध्यान से देखिए, ये रही कोइल, इसको मान लेंगे कि ये कोइल है, समझ रहे हैं। अच्छा इस वाली आर्म पे फोर्स कहां लग रही है, बाहर को, इस वाली आर्म पे फोर्स लग रही है अंदर को, तो ये क्या ऐसे घूम जाएगी, क्या, क्यों, क्योंकि इस पे लग रहा है टॉर्क, इस पे क्या लग रहा है टॉर्क, क्यों लगा टॉर्क, एक फोर्स आगे को एक पीछे को, तो इसमें आ गया टर्निंग इफेक्ट, क्या आ गया इसके अंदर टर्निंग इफेक्ट, समझ गए। तो ये इस कोइल पे लगता है टॉर्क, ठीक है, तो जब भी कोई कोइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है उस पे क्या लगेगा जी, टॉर्क लगेगा। चलिए अब चेक कर लेते हैं कि ये टॉर्क कितना है, चलिए टॉर्क को चेक करते हैं। चलिए बच्चों अब सीखते हैं कि टॉर्क कितना लगता है, इसको थोड़ा सा हमें 3D फिगर में भी जानना है। चलिए जी ये आपने लिखा नॉर्थ, यहां क्या लिखा, यहां लिखा आपने साउथ, ठीक है, अब क्या करते हैं ध्यान से सुनना है, क्या करना है जी, यहां पे ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये रही जी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, बहुत अच्छी बात है। अब इस कोइल को ध्यान से देखना है, ये जो कोइल है, ये वाली कोइल जो है, देखिए ये ऐसे कोइल है, ये आर्म इसकी नीचे की CD है, ये आर्म क्या है CD, टॉर्क लगी ये ऐसे हो गई है कि नहीं, ये वाली आर्म ऐसे हो गई ना, ऐसे हो गई ना ये आर्म। चलिए तो इस आर्म को मैं यहां पे बनाऊं तो कुछ ऐसे बनेगी क्या, ध्यान से देखना है, ये ऐसे हो गई थी, तो ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन CD है, ये कौन सी लाइन है CD, तो ये CD वाली लाइन है ना, जब ये CD वाली लाइन है इस पे फोर्स अंदर को लग रहा था ऐसे, और इस पे फोर्स लग रहा था बाहर को, ये 3D फिगर है ना, ये पॉइंट C था, ये पॉइंट D था, ये वाला CD वाला पॉइंट है ना, ये पॉइंट D था, ये पॉइंट C था, है ना, ये देखिए CD है कि नहीं। अच्छा तो आपके पास इस तरह से फिगर बन गई है ना। चलिए अब मैंने बोला
कि इस कॉइल ने जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाया है वो अल्फा बनाया है। कितना एंगल बनाया है? अल्फा। चलिए टॉर्क का फॉर्मूला जान लेते हैं क्या होता है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आपके पास ये वाली फोर्सेज हैं कितनी, जो बाहर को लग रही है और जो अंदर को लग रही है, कितनी है? एन आई बी एल, हमने सीखा है पहले, है ना। चलिए इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है जी। कैसे? आप क्या करेंगे, इस फोर्स पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये परपेंडिकुलर है जी, क्या है इस पे? परपेंडिकुलर। और इसको पीछे बढ़ा देंगे बच्चों, ऐसे, समझ गए? अच्छा, तो ये एंगल आप ये बताइए पहले, तो ये भी अल्फा होगा क्या, है ना। सी डी कितना है? सी डी तो ब्रेथ है इस कॉइल की। सी डी क्या है इस कॉइल की? ब्रेथ। तो ये बी है, तो ये ऊपर की क्या हो जाएगी? बी कॉस अल्फा, है कि नहीं? क्या ये वाली लाइन इस फोर्स के परपेंडिकुलर है? हाँ है। क्या यही वाली लाइन इस फोर्स के भी परपेंडिकुलर है क्या? हाँ, दोनों के परपेंडिकुलर है। तो पर आपको टॉर्क में चाहिए होता था, क्या चीज चाहिए होता था टॉर्क में? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज बी कॉस अल्फा, समझ गए हैं। अब देखिए क्या बन जाएगा, टॉर्क इक्वल्स टू एन आई बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। अरे ये तो एरिया होता है कोइल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये क्या हो जाएगा? ए, ये है कॉस अल्फा। इसको बोलते हैं बच्चों, इस टॉर्क का नाम रखा है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। क्या नाम रखा है मैंने इसका? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। व्हाई? क्योंकि ये डिफ्लेक्ट करा रहा है ना। और ये डिफ्लेक्शन क्यों आ रहा है? जितना ज्यादा करंट होगा कोइल में, ध्यान से देखिए, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, समझ गए हैं? जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है, इतनी बात आपको जाननी थी। चलिए अब इसमें लगा हुआ है बच्चों यहां स्प्रिंग। क्या लगा हुआ है? स्प्रिंग। देखिए आपके पास कोई सिंपल स्प्रिंग है और आप उसको ऐसे खींचते हैं, जैसे ही आप इसको बाहर से खींचते हैं तुरंत एक फोर्स अंदर डेवलप हो जाती है जो इसको वापस उसकी जगह पे ले जाने की कोशिश करती है, ऐसा होता है ना, है ना। चलिए जब आप किसी चीज को रोटेट कराते हैं और उसमें नीचे स्प्रिंग लगा हुआ है तो उसमें भी ऐंठन आती है, ट्विस्ट आता है, समझ रहे हैं, उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाती है। तो जब ये, जैसे ये कॉइल, आपने जब इस पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा ड्यू टू करंट, ये ऐसे घूम गई तो इसके अंदर ऑटोमेटिक एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया जो इसको वापस लाना चाहता है। शुरुआत में, स्टार्टिंग में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज्यादा था और रिस्टोरिंग टॉर्क कम था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, एज द टाइम लैप्स, क्या हुआ? ये हुआ कि रिस्टोरिंग फोर्स इज बैलेंस्ड बाय, जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो क्या हुआ, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज बैलेंस बाय रिस्टोरिंग टॉर्क, समझ गए हैं? समझ गए हैं क्या हुआ है? तो एक टॉर्क अंदर डेवलप हो गई जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बना करंट की वजह से, तो स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो गई, ठीक है। शुरुआत में ये कम थी लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ती गई, और हमने ये माना कि जब वो एक यूनिट एंगल पे डिफ्लेक्ट हुई होगी, ये कॉइल हल्की सी एक यूनिट एंगल पे डिफ्लेक्ट हुई है, तो इसके अंदर जो रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हुआ है एक यूनिट एंगल में, वो के है। और वो कितने एंगल तक डिफ्लेक्ट हुई थी, कितना एंगल डिफ्लेक्ट हुई थी वो, कितने एंगल पे डिफ्लेक्ट हुई थी? मैंने बोला अल्फा तक। तो टोटल डिफ्लेक्शन के वजह से जो रिस्टोरिंग टॉर्क बना अंदर एक यूनिट एंगल में, इतना कितने एंगल तक डिफ्लेक्ट हुई कॉइल? अल्फा एंगल तक। तो कितना रिस्टोरिंग टॉर्क हुआ? के अल्फा। और अगर ये के अल्फा है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इतना, रिस्टोरिंग टॉर्क इतना, शुरुआत में डिफ्लेक्टिंग ज्यादा था रिस्टोरिंग कम था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता रिस्टोरिंग टॉर्क बढ़ना शुरू हो गया, तो एक टाइम ऐसा आ गया कि ये कॉइल जब घूमी तो घूमने पे घूमती जा रही है लेकिन रिस्टोरिंग टॉर्क बढ़ता गया, और एक पर्टिकुलर एंगल पे, इस कॉइल के एक पर्टिकुलर एंगल पे ये रुक गई, क्योंकि बाहर का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बैलेंस हो गया अंदर के रिस्टोरिंग टॉर्क के, समझ गए हैं। तो उस टाइम पे जो एंगल बनाया है उस कॉइल ने, कितना बनाया है मैग्नेटिक फील्ड के साथ? अल्फा बनाया है। तो उस टाइम पे बच्चों के अल्फा इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? एन आई बी ए कॉस अल्फा,
समझ गए हैं इतनी बात। यहां एक बात जानने की है, हम करना क्या चाहते हैं, ध्यान से सुनिए। मैं चाहता हूं एक बात आप मुझे क्लियर करिए, जितना ज्यादा कोइल में करंट होगा उतना ज्यादा क्या टॉर्क होगा, समझ रहे हैं? जितना ज्यादा करंट कोइल में उतना ज्यादा टॉर्क डिफ्लेक्टिंग वाला। अच्छा, जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज्यादा है तो पीछे की तरफ बैलेंस करने वाला रिस्टोरिंग फोर्स भी ज्यादा होगा, पीछे की तरफ बैलेंस करने वाला रिस्टोरिंग टॉर्क भी तो ज्यादा चाहिएगा। तो लार्जर इज द करंट, लार्जर इज द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है, ड्यू टू विच लार्ज रिस्टोरिंग फोर्स इज रिक्वायर्ड, है ना, उसे रोकने वाला भी तो ज्यादा होगा, और उसकी वैल्यू के अल्फा है, तो जितना अल्फा भी क्या आएगा इस वजह से ज्यादा आएगा, तो ज्यादा डिफ्लेक्शन पे जाके वो कोइल रुकेगी, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ, लार्जर इज द करंट, लार्जर इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द कोइल, ये आपको याद रखना है। तो हम इसी प्रिंसिपल पे बात कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर को हम इसी बेस पे पढ़ रहे हैं, बड़ा आसान है। चलिए, आपने रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल्स टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कर दिया, अगर मैं इसमें आई को यहां छोड़ के और सबको दूसरी तरफ पहुंचा दूं तो क्या मिलेगा, चलो लो पहुंचाते हैं, के अल्फा अपॉन एन बी ए कोस अल्फा, और ये जो है बराबर है आई के, समझ गए हैं इतनी बात। अच्छा, तो हमें क्या करना था, मैं ये बोल रहा था कि आई क्या होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अल्फा के। क्यों, दोबारा से देख लेते हैं, लार्जर इज द करंट, लार्जर इज द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, इट मींस जो बैलेंस करने वाला रिस्टोरिंग टॉर्क है वो भी ज्यादा होना चाहिए, वो किस पे डिपेंड करता है, अल्फा पे, तो अल्फा भी ज्यादा होना चाहिए, तो इट मींस लार्जर इज द करंट, लार्जर इज द डिफ्लेक्शन, कोइल उतनी ही ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी, तो इस बात का हमें याद रखना है। तो हमें कुछ ऐसा करना था, लेकिन हुआ क्या, चलो यहां देखते हैं, ये इक्वेशन जो बन क्या है, इसमें के है रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, ये एक वायर का फिक्स है, जो आपने वायर लिया है ना, इसमें कितनी ऐठन आती है एक यूनिट एंगल पे, ये फिक्स है। नंबर ऑफ टर्न्स कोइल में फिक्स है, बी मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, ए फिक्स है, तो आई ये सारा कांस्टेंट हो गया, और जब ये कांस्टेंट हो गया तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, अल्फा अपॉन कोस अल्फा के। यहां एक बात समझने की है कि ये आंसर हमारा सही नहीं आ रहा है, ठीक है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अल्फा हमें आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अल्फा के बनाना था, यहां कोस अल्फा भी आ रहा है, तो ये कोस अल्फा आपको दिक्कत करेगा। तो हमें ये समझना है, हमारे से पूछेंगे कि वाई वी नीड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोला कि आपको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों चाहिए। तो पहले रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उससे जानने से पहले एक चीज जान लेते हैं, हम ये चीज शो करेंगे, हम दिखाएंगे कि हेयर करंट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा, क्योंकि एक फैक्टर कोस अल्फा भी आ रहा है एक्स्ट्रा, तो ये हटाना है, ठीक है। तो अब हमें सीखना पड़ेगा कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या है और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, तो हम इसको करने जा रहे हैं, लेकिन लेकिन इससे पहले एक बात जान लीजिए, ध्यान से इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इस डायग्राम को, इस डायग्राम में ये फोर्स है जो अंदर की तरफ लग रही है, ये फोर्स है जो बाहर को लग रही है। आप देखते हैं ये वाली लाइन दोनों फोर्सेस के परपेंडिकुलर है, जो आपको टॉर्क के अंदर चाहिए होती थी, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो लाइन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, ध्यान से देखो, बी कोस अल्फा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, वही लाइन दोनों फोर्सेस के परपेंडिकुलर होती है, समझ गए हैं मैं क्या बोल रहा हूं, कि यहां पे जो फोर्स जो आपको यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होती है दोनों फोर्सेस के बीच की, क्या वो लाइन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल वाली लाइन है, जो लाइन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल वो दोनों फोर्सेस के परपेंडिकुलर, समझ गए हैं, ये बात याद रखनी है। ये नॉट वर्दी पॉइंट हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल वाली लाइन दोनों फोर्सेस के परपेंडिकुलर होती है, समझ गए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, अब हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों, अब सीखते हैं व्हाट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके पास एक ऐसी मैग्नेट है लाइक पाइप, जो पाइप होते हैं ना प्लास्टिक वाले, वो वाले पाइप, और आपने उसको बीच में से ऐसे कट कर दिया, तो आपके पास कुछ मैग्नेट इस शेप की बन जाएगी क्या, थोड़ा सा इमेजिन करेंगे क्या इस शेप की आपके पास मैग्नेट बन जाएगी,
ये बता दीजिए। ये नॉर्थ पोल था और यहां पे ये साउथ पोल था, समझ गए हैं। ऐसे कुछ मैग्नेट बन जाएगी अगर ये पाइप की शेप की है मैग्नेट और ऐसे कट कर दें, ठीक है, ये चीज समझ में आती है। और बच्चों आप एक चीज और जान लो कि आपके पास जो आप कॉइल लेते हैं एक्चुअल में वो कॉइल इस सॉफ्ट आयरन कोर पे बंधी हुई है कुछ इस तरीके से, समझिएगा। जैसे ये कॉइल थी ना एबीसीडी वाली, ऐसे इस तरीके से इस पे बंधी हुई है, समझ रहे हैं मेरी बात को, कुछ इस तरीके से ये बंधी हुई है। ये वाला पार्ट आ गया हमारे पास, है ना, एक ये वाला पार्ट आ गया हमारे पास, इसके ऊपर ये कॉइल ऐसे बंधी हुई है, समझ गए हैं। और जब आप इसको ऊपर से देखते हैं तो आप कैसा देखते हैं, देखिए जी कुछ ऊपर से ये आपको पार्ट कुछ ऐसा दिखाई देगा, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है, मेरी बात को समझना है, कुछ ऐसे। और ये वाला पार्ट आपको ये रहा ऐसे, समझ गए हैं, ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं ऐसे, है ना, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। बच्चों अब होता क्या है, क्या होता है, ध्यान से सुनते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड यहां रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है कि जो नॉर्थ से निकलने वाली फील्ड लाइंस होंगी ना वो पहले इस पे ऐसे जाएंगी, इस मेटलिक जो आपका सॉफ्ट आयरन कोर है इस पे पड़ती हैं। और हमेशा याद रखेंगे कि मेटल पे या सॉफ्ट आयरन कोर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर पड़ती हैं। तो इस सिलेंड्रिकल जो ये शेप है ऊपर से सर्कुलर, इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पड़ेंगी वो परपेंडिकुलर कब होंगी, जब वो टूवर्ड्स द सेंटर होंगी, जब वे रेडियस की तरफ को होंगी, कुछ इस तरह से, है ना, ऐसे, फिर ये इस तरीके से और ये ऐसे, फिर ये कुछ इस तरीके से और ये फिर ऐसे, समझ रहे हैं, इसी तरीके से ये ऐसे और ये ऐसे, इसी तरीके से और भी बनाई जा सकती हैं बच्चों, कुछ ऐसे, है ना। तो ये जो शेप बनी ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड्स द सेंटर होता है और या फिर अलोंग द रेडियस होता है। चलिए तो आपसे अगर मैं बात करूं इससे फायदा क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है और ये है क्या, चलिए तो इसको हम जान लेते हैं कि ये क्या है। तो एक बार जान लेते हैं दोबारा से कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है क्या, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, समझ जाएंगे एक्चुअल में क्या हो रहा था। हमारे पास हमें आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अल्फा के बनाना था, हम सीख चुके हैं, लेकिन अल्फा अपॉन कोस अल्फा आ रहा था। तो पहले रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस क्वेश्चन का हम आपको आंसर बता देते हैं कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो कैसी मैग्नेट से बनता हो, कॉनकेव शेप मैग्नेट से बनता हो, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मेड बाय कॉनकेव शेप्ड मैग्नेट, ऐसी कॉनकेव शेप वाली मैग्नेट हैं, उनसे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है। रेडियल क्यों बोलते हैं, टुवर्ड्स द रेडियस होता है, है ना, इस जो सॉफ्ट आयरन कोर का ऊपर का पार्ट है ना, इसके रेडियस के इसके अलोंग होता है, ठीक है, समझ गए। चलिए अच्छा, इन सच अ फील्ड प्लेन ऑफ कॉइल is always parallel to magnetic field. तो ऐसे फील्ड में क्या होता है, इन सच अ फील्ड प्लेन ऑफ कॉइल इज ऑलवेज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। जी समझ में नहीं आई बात, मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए आपके पास ये कॉइल थी बच्चों, ये सॉफ्ट आयरन कोर है और इस पे कॉइल ऐसे बंधी हुई है रेक्टेंगुलर शेप में, समझ रहे हैं, ऊपर से ये ऐसे दिखाई देती है। तो जब इस पे टॉर्क लगेगा, तो ये ऐसे घूमेगी, है कि नहीं, ये सॉफ्ट आयरन कोर, इस पे ऐसे कॉइल बंधी हुई है एबीसीडी वाली, ऊपर से देखते हैं टॉर्क लगता है करंट चलने की वजह से, ये ऐसे घूमेगी। तो जैसे ये घूमेगी तो आप हर बार देखते हैं इस लाइन के पैरेलल हमेशा कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी। देखिए ये रहा आपके पास वो लाइन थी, ये थी वो लाइन, है ना, ये वो आपके ऊपर कोइल का वो वाला पार्ट है जो इस पे बंधा हुआ है ऊपर, है ना, तो इस पे फोर्स लग रही थी, कैसे, ऐसे और ऐसे, समझ रहे हैं ना, ये ऊपर से देख रहे हैं ये वाला पार्ट है, तो इधर से फोर्स लग रही है, इधर से फोर्स लग रही है, ये इस पे टॉर्क लगेगी। जब टॉर्क लगेगी हर बार, ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना, ये इसकी ब्रेथ थी, उस कॉइल की ब्रेथ थी, देखिए कुछ इस तरह से मैं आपको अगर जो शो करूं, तो ये आपके पास ये सॉफ्ट आयरन कोर है,
ठीक है जी। और इसके ऊपर ऐसे बंधा हुआ है, ये बंधा हुआ है ए बी सी डी, ऐसे बंधा हुआ है ना। तो ये जब जैसे घूम, ऊपर वाला ए बी वाला, इस पर टॉर्क लगती है, घूमता है ना। तो हर बार कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ डेवलप हुआ है ऐसे, है ना। हम ऊपर का व्यू ले रहे हैं तो हर बार इसके पैरेलल हमेशा कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी, और इसकी ब्रेथ जो है बी है कोयल की, है ना। तो ये बी है, तो आप देख रहे हैं ये फोर्स लग रही है, एक फोर्स ऐसे और एक फोर्स ऐसे, तो ये रोटेट हो रही है कोयल ऐसे, समझ रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा हूं कि वो हर बार ये वाली लाइन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आ रही है। तो मैंने बोला था आपको कि जो लाइन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आती है वही दोनों फोर्सेस के परपेंडिकुलर होती है। देखिए ये लाइन बी कॉस अल्फा आ रही थी ना मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, यही दोनों फोर्सेस के परपेंडिकुलर वाली लाइन थी। अब इस केस में आपके पास हर बार जब ये घूमेगा, जब ये ऊपर वाला पार्ट घूमेगा, तो हर बार कोई ना कोई फील्ड लाइन इसके साथ लाई कर जाएगी, ये कर जाएगी, फिर ऐसे भी ये कर सकती है, ये भी कर सकती है ना कोई फील्ड लाइन इसके साथ पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसे ऐसे रोटेट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ऐसे फील्ड की वजह से बच्चों जो टॉर्क बनेगा, क्या बनेगा, फोर्स, NIBL फोर्स थी, और जो आपके पास परपेंडिकुलर वाली लाइन आई थी, जो दोनों फोर्स इसके परपेंडिकुलर होती है, वो बी आ गई, क्योंकि यही लाइन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है ना। तो इस लाइन को मैं लिखता हूँ ना, इन सच अ फील्ड प्लेन ऑफ द कोयल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, मींस कि आपका जो प्लेन ऑफ द कोयल से, आप ये समझिए जो ये वाली आर्म है, ये हर बार मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आती है, क्योंकि ऐसे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, जब कोयल ऐसे हो गई ऐसे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, जब कोयल ऐसे हो गई ऐसे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, समझ रहे हैं। तो ये आपके पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बन गया, ये कौन सा टॉर्क आ गया, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है। और तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, एन आई बी, लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया, है ना। और रीस्टोरिंग टॉर्क क्या थी, वो तो वही थी, क्या थी रीस्टोरिंग टॉर्क, वो थी हमारे पास के अल्फा, है ना, रीस्टोरिंग टॉर्क था ये। तो कितना हो जाएगा ये, के अल्फा इक्वल्स टू, बोलिए, एन आई बी ए, ये हो जाएगा, समझ गए हैं। तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो ये I को अकेला छोड़ो और इसको नीचे पहुंचाओ, K अपॉन एन बी ए, और यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे अल्फा, और यहाँ रह गया I, है ना। ये सब चीज कॉन्स्टेंट हो जाती है, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, अरे ये तो अल्फा के आ गया। यही तो करना था कि जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा, समझ लें कि उस कोयल में उतना ही ज़्यादा करंट है। इसको मैं अभी इसका कंस्ट्रक्शन सिखाऊंगा, आप समझ गए। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, कॉनकेव शेप मैग्नेट की वजह से है। इस फील्ड में हमेशा जो प्लेन ऑफ द कोइल है वो हमेशा पैरेलल आता है मैग्नेटिक फील्ड के, इसलिए यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है दो फोर्सेस के बीच की, वो बी आती है। पहले ये बी कोस अल्फा आती थी, अब खाली बी आ रही है। तो यहाँ पे रख के आपने दोनों को बराबर रखा और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हेल्प के आ गया, अल्फा के आ गया। इट मींस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हेल्प्स इन मेकिंग आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अल्फा। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, इन सच अ फील्ड प्लेन ऑफ द कोयल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड एंड इट हेल्प्स, किसमें हेल्प कर देता है ये दिखा देंगे सब, है ना। इट हेल्प्स किसमें कर देता है, हेल्प्स टू मेक आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अल्फा, ये आपको समझना है, समझ गए हैं। ये चीज आपने जान ली है कि किस तरीके से गैल्वेनोमीटर वर्क कर रहा है। अब मैं आपको ये भी चीज दिखाऊंगा कि प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, चलिए तो देख लेते हैं क्या है। बड़ा आसान है, गैल्वेनोमीटर को बहुत अच्छे से सीखना है बच्चों, बहुत इजी टॉपिक होता है, इंपॉर्टेंट होता है, 5 मार्क्स में आता है, तो क्यों ना इसको तैयार किया जाए। अब की बार कुछ ऐसा किया जाए जो पिछले 10 सालों में, पिछले 10 क्लासेस में नहीं किया, तो अब की बार कुछ ऐसा करते हैं कि आप अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए एक पहली स्टेप ले रहे हैं, क्यों ना इस स्टेप को धमाकेदार किया जाए, क्यों ना ये स्टेप ये ऐसा लिया जाए कि आपके लिए हमेशा यादगार बन जाए। और ये डर कर नहीं, डट कर होगा, तो डटना है, करना है, करके रहेंगे। टेक इट एज अ चैलेंज, नॉट एज अ फियर, इसको डर के नहीं लेना है, इसे चैलेंज लेना है कि इस चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये करती हूँ, और इसको मैं कवर करके दिखाऊंगी, ये करके दिखाऊंगा। डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर जाएंगे, क्योंकि
इवोल्यूशन मेक्स रिवोल्यूशन, इवोल्यूशन ही रिवोल्यूशन लाता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, अब कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। चलिए तो जान लेते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन देखते हैं क्या है। बच्चों देखो, यहां पे आपके पास एक मीटर स्केल लगा रखी है, ये आपके पास एक मीटर स्केल है। बहुत अच्छी बात, बहुत आसान सी बात। चलिए जी, अब ये बोला, ध्यान से सुनना है, आपके पास एक है मैग्नेट। ये बच्चों एक मैग्नेट है आपके पास, कौन से शेप की है? कॉनकेव शेप की है। समझ गए हैं, ये कैसी शेप की है? कॉनकेव शेप की है। और बच्चों यहां पे आपने लगाई है इसके अंदर ये एक कॉइल, ठीक है। ये क्या लगाई है आपने? कॉइल, ठीक है। इस कॉइल में लगाया है एक पॉइंटर, पॉइंटर लगाया है। इसमें करंट चलाया है कॉइल में, है ना, ऐसे ही तो करते थे। ये क्या है? कॉइल है। ये आपके पास एक वायर है, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर। कौन सा वायर है ये? ये है फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर, है ना। इसको क्यों लेते हैं अभी जान जाएंगे। ये है हमारे पास मैग्नेट, कॉनकेव शेप मैग्नेट, है ना, कॉनकेव शेप मैग्नेट। समझ गए हैं। चलिए जी, और ये आपके पास वो कॉइल है, ठीक है। ये आपके पास मीटर स्केल है, ठीक है, ये मीटर स्केल है। समझ गए हैं। अब होता क्या है, लार्जर इज द करंट, लार्जर इज द डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन तेज आएगा तो जो इसकी पॉइंटर है उतना तेजी से घूमेगा। मैं बोलूंगा अगर आपने इसमें करंट, इसमें आपने करंट दिया है कम, ये हल्की सी निडल घूम गई, मैंने लिख दिया 1 एम्पियर। समझ गए, मैंने करंट ज्यादा दिया तो इसकी निडल और ज्यादा घूमेगी, तो ये आपको क्या दे देगा? 2 एम्पियर। समझ रहे हैं। इसी तरीके से लार्जर इज द डिफ्लेक्शन, लार्जर इज द करंट, ऐसा ही तो करना था। ऐसा होता है हमारा गैल्वेनोमीटर। समझ गए हैं। तो गैल्वेनोमीटर को हमें बहुत अच्छे से जानना था। एक बात और बच्चों, इसके अंदर हमने डाली हुई थी, पहले भी बात की थी, सॉफ्ट आयरन कोर। ये सॉफ्ट आयरन कोर क्यों डालते हैं, इसका रीजन क्या है? तो देखिए, एक तो ये हेल्प करती थी, आपको याद होगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाने में, क्योंकि फील्ड लाइंस जब उस पर पड़ती थी तो टुवर्ड्स द सेंटर इसलिए पड़ती थी क्योंकि वो मेटल की थी। मेटल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसे पड़ती हैं? परपेंडिकुलर पड़ती हैं। तो आपसे ये पूछेंगे, व्हाट इज द यूज ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर? सॉफ्ट आयरन कोर का क्या यूज है? पहला यूज क्या है? पहला यूज है इन ऑर्डर टू मेक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, वहां हेल्प करती है। दूसरा, जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर डाल देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड टू मेक द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, वी यूज सॉफ्ट आयरन कोर। समझ गए हैं, ये जानना जरूरी था। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ बेसिक सी और इंपॉर्टेंट सी बात जो आपके लिए गैल्वेनोमीटर में जाननी है। वो क्या है? वो है करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। चलिए जान लेते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं अपने गैल्वेनोमीटर के टॉपिक को। चलिए तो व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी बच्चों, ये सीखना है, ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है करंट सेंसिटिविटी? अल्फा अपॉन आई, दैट इज करंट सेंसिटिविटी। इट मींस NBA अपॉन NBA, NBA अपॉन K, ये होता है करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है, कितने एक यूनिट करंट पे, मतलब जैसे आपके पास दो गैल्वेनोमीटर हैं, एक एक है एक दूसरा है, आपने क्या किया, दोनों में 1 यूनिट का करंट दिया, इसमें भी 1 यूनिट का, इसमें भी, तो जिसमें जो पॉइंटर है वो ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ, ज्यादा अल्फा एंगल पे डिफ्लेक्ट हुआ, तो समझ जाइए वो उतना ही ज्यादा सेंसिटिव है। फॉर ए स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट, इफ इट प्रोड्यूसेस लार्ज डिफ्लेक्शन देन इट इज मोर सेंसिटिव। तो सेंसिटिविटी क्या है? इट इज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट, ठीक है। समझ गए हैं, फॉर्मूला याद रहेगा NBA अपॉन K, ये बेसिक सा फॉर्मूला आपको याद रहना है। चलिए इसी तरीके से वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है? VS, ये है अल्फा, कितना डिफ्लेक्शन आता है, कितने वोल्टेज देने पे, एक यूनिट वोल्टेज देने पे। जैसे 2 वोल्ट मीटर है, एक और दो, दोनों को आपने 1 यूनिट वोल्ट दी है, और एक यूनिट वोल्ट देने पे एक का डिफ्लेक्शन कम आया है, एक का ज्यादा आया है। जिसका एक यूनिट करंट पे ज्यादा डिफ्लेक्शन आया है वो उतना ही ज्यादा वोल्टेज सेंसिटिव है। चलिए तो वोल्टेज सेंसिटिव को आप अगर डिफाइन करें तो ये है, और इसका हम फॉर्मूला कैसे बनाएं, तो इससे बना सकते हैं। कैसे? अल्फा अपॉन आई इक्वल्स टू क्या था बेटा? NBA अपॉन
के, ये होता था। क्यों ना इसमें दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई कर दें, है कि नहीं? अरे मल्टीप्लाई करते ही तो ये तो आई आर हो जाएगा, और आई आर तो वी होता है, तो अल्फा अपॉन वी किसके बराबर हो जाएगा? एन बी ए अपॉन के आर। समझ गए हैं? ये चीज आपको जाननी थी, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो करंट सेंसिटिविटी, हाउ कैन वी इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी? बाय डिक्रीजिंग के, के को कम कर दें, है ना। हाउ कैन वी इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी? ये है वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये तो बाय डिक्रीजिंग के, है ना, के को कम कर दें। तो करंट सेंसिटिविटी आप बढ़ा सकते हैं के को कम करके, वोल्टेज सेंसिटिविटी भी आप बढ़ा सकते हैं के को कम करके, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा के आप करंट सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड को आप बढ़ा के वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं, एरिया ऑफ द कोइल बढ़ा के आप करंट सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं, एरिया ऑफ द कोइल बढ़ा के आप वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ा सकते हैं। अब आप बोलेंगे जी आपने एक चीज छोड़ दी, क्या? नंबर ऑफ टर्न्स। कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ा दिए जाए तो क्या करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी? हाँ बढ़ेगी, लेकिन लेकिन रुकना है, वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करूं, टर्न बढ़ा दिए जाए तो बच्चों यहां एक फैक्टर और लिखा हुआ है जो ऊपर नहीं है। क्या है वो फैक्टर? कैपिटल आर है वो फैक्टर। तो जब आप टर्न्स बढ़ाते हैं तो क्या आप कोइल के लेंथ बढ़ा रहे हैं? कोइल की, और लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, तो टर्न बढ़ाने से रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, इस वजह से वोल्टेज सेंसिटिविटी कम हो जाती है। तो इट मींस ये कभी ज्यादा, ये कभी जरूरी नहीं है कि अगर करंट सेंसिटिविटी बढ़ती है तो हमेशा वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाए। हाँ बढ़ती तो है लेकिन हमेशा नहीं बढ़ती। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हैं तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ती है, बट वोल्टेज सेंसिटिविटी जब आप टर्न्स बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। रेजिस्टेंस वाला फैक्टर इसमें नहीं है, इसमें है। रेजिस्टेंस ज्यादा होने से करंट वोल्टेज सेंसिटिविटी घट जाती है। सो इट इज नॉट नेसेसरी इफ करंट सेंसिटिविटी इंक्रीजेज देन इट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज दैट वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑल्सो इंक्रीजेज। आई होप आप गैल्वेनोमीटर को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, जान गए होंगे, पहचान गए होंगे। ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है, इसको सीखना है, इसमें अपना एक माइंडसेट तैयार करना है। सीख जाएंगे, कर जाएंगे फिजिक्स को अब की बार 95 पार, ऐसा करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप गैल्वेनोमीटर को दूसरे इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।